हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक रसगुल्ले। उसके लिए हमने लिया है पानी एक गिलास, सोडा आधा चम्मच, इलायची दो, ये हमने लिया है मैदा एक छोटी कटोरी, मावा एक कटोरी, और हमने चीनी ली है तीन कटोरी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रसगुल्ले बनाना। हमने एक परात ले ली है, उसमें हम डालेंगे एक कटोरी मावा, एक छोटी कटोरी मैदा, आधा चम्मच सोडा, अब इनको हम तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही मसल लिया है देखिए, और हमने इसको अच्छा सा डो जो है बना के तैयार कर लिया है। और हम इसको थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और गोल गोल बना लेंगे इसको, उसको लेके सेप देंगे। थोड़ा सा बैटर हाथ में लेना है और इसको गोल गोल बनाना है। देखिए ऐसे छोटे साइज का गोला हमें बनाना है, क्योंकि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो चाशनी में जाने के बाद वो फूल जाते हैं, इसलिए देखिए हमने छोटी से साइज का गोला बनाया है। ऐसे हमने देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर लेके ऐसे गोल शेप में जो है हमने उस गुल्ले को बना लिया है। और ऐसे ही हम छोटा सा गोला ऐसे बैटर लेंगे और बनाएंगे, ऐसे बनाना है देखिए। ऐसे हम थोड़ा सा बैटर और लेंगे, ऐसे इसे भी गोल शेप में बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाना है और छोटे छोटे बना के जाना, गोल गोल बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए ऐसे हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए सारे जो है गुल्लों को बना के तैयार कर लिया है, ऐसे गोल शेप में हमने बना के तैयार किया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हमने सारा तैयार कर लिया है। इसमें डिफाइंड डाल देंगे, हमने एक कढ़ाई ले ली है और हम इसमें डाल देंगे डिफाइंड। हमें डिफाइंड डाला है करीब डेढ़ कटोरी के करीब, और इसे हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई में जो है रिफाइंड गर्म कर लिया है, और इसमें जो है रसगुल्ले डालने शुरू करेंगे और इनको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम जो है हम लो कर लेंगे, ताकि जो है हमारे रसगुल्ले जो है वो फूके नहीं, और ऐसे हल्के गोल्डन होने तक हम भूनेंगे। ये देखिए, और हल्का सा बीच में इनको चलाते रहना है, ताकि ये ब्लैक ना हो, जल ना जाए। और
देखिए अभी हल्के गोल्डन हो गए हैं, हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हो गए हमारे हल्के गोल्डन, हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम और डाल देंगे। ये देखिए फ्लेम लो कर दिया है और हमें लो फ्लेम पे जो है हम इन रसगुल्लों को फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए ये हमें चलाते रहना है ताकि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एक साइड से जल ना जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा पलटते रहना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी हमारे फ्राई हो चुके हैं इसलिए इनको भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम और रसगुल्लों को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम तेज कर लेंगे।
इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे हम सारे गुल्लों को जो है फ्राई कर लेंगे। हमने सारे गुल्लों को जो है फ्राई कर लिया है, देखिए सारे गुल्लों को फ्राई कर चुके हैं। ले ली है, उसमें हम दो ग्लास पानी डालेंगे। कटोरी चीनी इसमें हम ऐड कर देंगे पानी में। अच्छे से इसको लेकर चीनी को मिक्स कर देंगे। दो पीसी इलायची का पाउडर डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब 10 मिनट तक हम जो है चाशनी को पकने देंगे। चीनी जो है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारी चाशनी जो है बनके तैयार हो जाएगी। मिनट बाद जो हमारी जो चाशनी है बनके तैयार हो गई है, देखिए। ये देखिए चाशनी जो है बनके तैयार हो गई है। हम जो रसगुल्ले बनाए थे हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। ये हमने जो है सारे रसगुल्लों को जो है चाशनी में डाल दिया है, उसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे चाशनी के अंदर। देखिए जो हमारे रसगुल्ले हैं वो चाशनी के अंदर अच्छे से डूब जाए और इसमें जो है चाशनी अच्छे से भर जाए। देखिए करीब 10 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे ढक के, ताकि जो हमारे रसगुल्ले में जो चाशनी अच्छे से भर जाए। ये देखिए अब हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बन के तैयार हो गए हैं और करीब 10 मिनट के लिए हम इनको ढक के छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है रसगुल्लों को सर्व कर लिया है। अब हमारे जो है ब्लैक रसगुल्ले बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बनने के बाद देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने यम्मी लग रहे हैं। अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।